गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों को मतलब पढ़ाई रिलेटेड नहीं बट ज़िंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देने जा रहा हूँ। ऐसा जो मैंने तजुर्बा किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में, मैंने जो झेला वही बता रहा हूँ। हम लोग कभी भी हमारे लाइफ में जब स्ट्रगल या झमेला आता है ना, तो हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार व्हाई आई हैव पुट माई सेल्फ इन टू दिस पोजिशन वेर आई एम स्ट्रगलिंग, आई वॉज इन कम्फर्ट जोन। याद रखना, सक्सेस जो होता है ना, मतलब लाइफ जी रहे, सक्सेस तो उसका एक पार्ट है। सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन कि यहाँ पहुँच जाएंगे फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर बात की जो मेरे लाइफ बची आराम से जाएंगे। नो, सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूअस जर्नी। आप एक गोल अचीव कर तो फिर एक दूसरा गोल, फिर तीसरा गोल, फिर चौथा गोल। अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो आप समझ लो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप रुक गए हो, आपकी लाइफ रुक गई है। ठीक है, देर इज़ नो सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। कभी भी देखो कि भाई हम कम्फर्ट जोन में, यू चैलेंज योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन टू स्ट्रगल। मैंने लाइफ में बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसके बेस में ये सीखा है कि इट इज़ नेसेसरी दैट यू कंटिन्यूसली पुश योर सेल्फ। इफ़ यू फाइंड कि नहीं अभी स्ट्रगल नहीं चला, तो डालो स्ट्रगल। मैं जब इनकम टैक्स मुझे आज पढ़ाते हुए 10.5 साल हो गए हैं, 10.5 ईयर्स 2012 में मैंने स्टार्ट किया था, तो इतना मुझे स्ट्रगल हुआ था, मतलब आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज माय स्ट्रगल, बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि ट्रेमेंडस स्ट्रगल हुआ, बस तुम इतना अज्यूम कर सकते हो कंपेयर टू एनी अदर नॉर्मल टीचर। फिर उस समय जो सब्जेक्ट्स के मेरे चॉइसेस थे, वो भी किस्मत में और जो अपॉर्चुनिटीज थी उस बेसिस में होते चले गए। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचर बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ और मेरी साइंस पे और मेरी जो एनालिटिकल थिंकिंग है बहुत ज़बरदस्त है, बट मौके वैसे नहीं मिले। अब जब मौका मिला है, देन आई वॉन्ट, जब लाइफ अब स्टेबल है, आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ, इसीलिए मैंने इनकम टैक्स सब्जेक्ट को लिया। मेरे बहुत सारे जो टीचर दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बोला भी कि यार वाई आर यू पुटिंग, मतलब एक नया हेडेक अपने लाइफ में क्यों ले रहे हो इतना बड़ा, तुम तो मतलब सेट हो, स्टेबल हो। मैं बोला यार जिंदगी का नाम स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी नहीं है, और ये पैसा जमा करना या मेरी 7 जनरेशन तक सब कुछ पैसा चलेगा, दैट इज नॉट माई मकसद। कोई अगर ऐसा बोलता है ना कि वो पैसा कमा रहा है फॉर अपनी फ्यूचर जनरेशन, तो बेकार बात है। जो भी हम लोग पैसा कमाते हैं, सक्सेस कमाते हैं, वो खुद के लिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इमीडिएट जनरेशन होगा, जो आपके बच्चे होंगे, वो आप उनको सही करियर पे डाल सकते हो, दैट्स ऑल। बट मनी यू आर नॉट गोइंग टू एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर योर फोर्थ कमिंग जनरेशन। हम लोग कोई राजे महाराजे नहीं है, ठीक है, कि विक्टर द वन, विक्टर टू, विक्टर थर्ड ऐसे आता रहेगा। ओके, तो सक्सेस इज फॉर योर सेल्फ एंड सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ ग्रोथ। तो चैलेंज तो करना ही पड़ेगा, और इनकम टैक्स से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम लोग को इनकम टैक्स नहीं आता, तो मतलब हमारी सीए की डिग्री जला देने के बराबर है। आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, कोई मीटिंग में चले जाओ, कोई गैदरिंग में चले जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम फ्रॉम कैलकटा, तो मैं कैलकटा का एग्जांपल देता हूँ। मैं डलहौजी एरिया में हूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप से, नॉट रेस्टोरेंट, मतलब इट्स लाइक अ मेस टाइप ऐसा, तो मैं वहाँ पे अक्सर खाने के लिए कभी बार जाता रहता हूँ। तो वहाँ का जो ओनर है मुझे अच्छी तरह जानता है, उनका नाम शायद मेमानी है, मुझे पूरा नाम उनका पता नहीं है, तो बहुत सीनियर आदमी है वो मुझे हमेशा जब भी मिल जाता है, कुछ ना कुछ मेरे को टैक्स का सवाल पूछना चालू कर देते हैं। अब उनको मैं कैसे समझाता कि सर मैं तो ये लॉ ऑडिट का टीचर हूँ, ये टैक्स मुझे नहीं आता, सीए में स्पेशलाइजेशन होता है, वगैरह वगैरह। उनके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब वो इन्हें टैक्स आता, मतलब इनको टैक्स आता होगा, उनके लिए वो हिसाब किताब है। सो आज मैं आपको सच बताता हूँ, इनकम टैक्स के बिना आपकी डिग्री बेकार है, एकदम कोई उसका यूज ही नहीं है। सो इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स, इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। टैक्स की नॉलेज हमेशा हमारी अपडेटेड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। टैक्स में एक दिक्कत क्या आती है, जब आई वॉज अ स्टूडेंट और मैंने बहुत सारे टीचरों से पढ़ाया अलग अलग टैक्स, तब मुझे मैंने देखा कि कुछ भी कर लो नॉलेज परफेक्ट नहीं मिल रही, ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं हमेशा कन्फ्यूज हूँ, आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस। सो मेरा टारगेट जब मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा टारगेट एक ही है कि नॉलेज को इतना सुंदर तरह से ऑर्गेनाइज कर दो, सजा दो, कि स्टूडेंट को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, उसको हर एक चीज़ समझ में आए, उसको ईजी लगे, उसको कंफर्टेबल लगे। येस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द फैक्टॉइड्स इन टैक्स, मतलब टैक्स में बहुत सारे डेटा होते हैं, आप सारा का सारा एक बार में याद नहीं रख सकते। बट एक होता है कि हमको सब कुछ याद हो, एक होता है हमको कॉन्फिडेंस है कि जब मैं चाहूँगा मेरे अंदर वो आ जाएगा। दैट कॉन्फिडेंस यू शुड हैव, कि तुम्हारे को टैक्स से इतना प्यार होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई जब भी मेरे को पढ़ना होगा, मैं तुरंत अपने आप को अपडेट कर लूंगा और मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई शुड नॉट बी डिफिडेंट अबाउट इट। अगर एक सीए के तौर पे या सीएमए या सीएस के तौर पे, अकाउंटिंग प्रोफेशनल के तौर पे, आपका टैक्स स्ट्रांग नहीं, आप टैक्स में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कौन होगा और कौन हो सकता है? ये तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले भाई मुझे मेडिसिन प्रैक्टिस से बहुत डर लगता है, कुछ और पूछ लो, ऐसा कैसे हो सकता है? यही हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इनकम टैक्स में मैं बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे सकूं, कि पढ़ते वक्त एकदम हैवी कॉन्फिडेंस आ जाए और
बहुत मैं कोशिश इसके ऊपर भी करने जा रहा हूँ कि आगे जाते हुए आई विल पुट लॉट ऑफ मतलब रिविजन मटीरियल ऑन द यूट्यूब, ताकि रिविजन हर चीज़ का लगातार होता रहे। कम से कम मतलब जो फैक्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, दिक्कत है, वो तो कम से कम बार बार रिविजन होते रहे ताकि याद रहे। थैंक यू।